पहला रेड इस समय भिलाई ले रहा है नंबर 8 के जर्सी के साथ, जहां टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार किया कोरबा क्लब, वह पहला हक मिल गया। वो पहला रेड के लिए इतने एडवांस, इतने उतावले, क्या डैश किया, सफलता क्या हाथ लगेगी, कितना हाथ लग रही है रेडर को, पवेलियन का रास्ता दिखाया इस समय। आसमानी उंगलियां तय कर गई दोनों ऑफिशियलों की, पैनी निगाहें लगातार इस मुकाबले में बनी हुई है। सेंटर लाइन पर तो मुख्य निर्णायक है इस समय, जहां मूलचंद रेड के ऊपर रेडर बोनस का अटेम्प्ट किया कॉर्नर कॉर्नर इनके सर के नीचे से, लेकिन क्या वो सफलता हाथ लगी है ये देखने वाली बात होगी। अंत में नकारा बोनस के लिए ऑफिसियलों ने, और साफ सुथरे नियम है बोनस का, कट और स्लिप के बोनस सुनिश्चित किए नहीं जाते, जिसके बदौलत मूलचंद वंचित रहे उस बोनस के अंक के लिए। इस बार प्रिंस और की जोड़ी सफलता हाथ लग गई, विनोद और प्रिंस की वो जोड़ी और कोरबा छोड़ती भिलाई के मैदान में लंबे कट के देखना होगा। हालांकि शुरुआती लम्हा है, अभी कोरबा दो अंक से अपनी खाता खोल चुकी है, भिलाई को अपनी पूरा दबा, लेकिन बिना अंक लेकर वापस हुए। खाली खींचा सुरेंद्र ने, अगला जो मैच होगा वह टीम तैयार रहेंगी देवगांव वर्सेस बलाव। इस मैच के तुरंत पश्चात उनका मैच होना है। नंबर 8 सुपर सिंह के साथ इस समय लाई है प्रहार के ऊपर, पहला अंक की तलाश अभी भी है भिलाई को। वो चले कुर्बन छोर से लंबे कट के दमदार खिलाड़ी, देखना होगा भिलाई के मैदान में खलबली मचाने के लिए। हालांकि हर फर बोला कुर्बा क्लब की ओर से खेलते हैं सारा दर अंदर जलवा, और थोड़ी सी क्योंकि चोटिल होना तो कबड्डी में गहना की तरह है, क्योंकि मूलचंद जैसे लंबे कद के खिलाड़ी को कवर करना, टेकल करना डिफेंडरों का निश्चित तौर पे। और भिलाई छोर से 5 नंबर जैसे बनी हुई राज जी, नंबर 5 के जैसे के साथ इस समय कोरबा के पॉइंट के ऊपर मूलचंद का शिकार करके पवेलियन का रास्ता दिखाया भिलाई ने। वहीं इस समय प्रहार के ऊपर फिंगर चलाया प्रिंस के ऊपर, सफलता हाथ लग गई है, प्रिंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया, एक अंक लिया अपने खाते में, जहां 2 और 2 के मुकाबले इक्वल का मुकाबला। सुरेंद्र है प्रहार के ऊपर, कोरबा क्लब के होनहार प्लेयर में से एक और मुख्य रेडर सुरेंद्र कंवर, फिंगर चलाया कॉर्नर कैचर के ऊपर उसी तर्ज में उन्हीं के अनुरूप, और सफलता भी हाथ लगी आपने चली तौर पे, वो हिदायत भी हुई आसमान की ओर उंगली दोनों छोर से जगत जी। और भिलाई की ओर से 4 नंबर जैसी बने लंबे कद के खिलाड़ी, 6 खिलाड़ी के बीच में बोनस आन है, देखना होगा कि इस 6 डिफेंडरों की टुकड़ी को क्या तोड़ पाएगी। हालांकि अभी भी 2-3 की स्थिति होने टच किए, अब फिर मूलचंद मार्को जी कोरबा क्लब की आन बान शान सारा दारदार उनकी रेडिंग का जिम्मेदारी कोरबा की ओर से, लेकिन इस बार देखना होगा अभी भी और 2 अंक मिलेगा और 3-5 की स्थिति बन चुकी है राज जी। 3 और 5 के मुकाबले निखिल इस समय उस रिवाइवल के साथ अपने कॉर्नर के ऊपर, मूलचंद की वो जोड़ी कॉर्नर कॉर्नर इनके साथ में, और 7 खिलाड़ियों को मजबा नंबर 4 के जर्सी, और एक जिस तरह से पिछले स्कॉटमैन किक की बदौलत निखिल का शिकार किया था नंबर 4 के जर्सी ने। और सुरेंद्र आए हैं सुरेंद्र कंवर, चूंकि लंबे कद के खिलाड़ी हर फन मौला खिलाड़ी कोरबा की जान, ये रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कोरबा क्लब की, देखते हैं। लेकिन हालांकि तो परफॉर्मेंस उसमें कमी नजर आ रही है, लॉन्ग जंप करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे क्या डिफेंडिंग का जलवा इतनी मजबूत अपनी जाल में पीछे, लाजवाब खेल जितनी तारीफ करी उतनी कम है।
राजी। खिलाई चार पर है इस समय, कोरबा पांच पर, एक अंक बढ़त पर नजर आ रही है। लेकिन नंबर पांच के जर्सी के रेडर है इस समय भिलाई की ओर से, जिन्होंने अपने टीम के लिए एक अच्छे अंक बटोरे हैं। बटोरने के साथ जहां एक अंक पिछड़ रही है, अंत में ओहर डिफेंस ने काम किया महत्वपूर्ण रूप से, दोनों खाई पर गए और खाई पर जाने के साथ इस कैच को पूरा किया। और पुनः गुलचंद रेडिंग का जिम्मेदारी एक छोर से कोरबा क्लब की ओर से सुरेंद्र कंवर और फिर दूसरे छोर से मूलचंद का सारा दारमदार जिम्मेदारी रेडिंग का देखना होगा। भिलाई बनाम कोरबा के बीच महामुकाबला, महाभिरन रूटीन काम देने वाली सुरक्षित अपने पाले राजी। चार छह के मुकाबले बढ़त पर अब कहीं जाकर के दो अंक पर अपने आप को ऊपर पा रहा है इस समय कोरबा। सात खिलाड़ियों का हाउसफुल मैदान, जहां से निखिल और मूलचंद की कॉर्नर, वहां से एक तेजी से फुटवर्क किया, फुटवर्क करने के साथ प्रिंस की कॉर्नर और प्रिंस की कॉर्नर को पीछे धकेला था। वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से अपने घर के लिए। और कोरबा छोर से फिर सुरेंद्र कंवर आए हैं। सुरेंद्र कंवर को कुछ कर स्माइल जलवा दिखाना होगा। हालांकि सुरेंद्र कंवर कुछ रमो छोर से अपनी परमाशी से जूझते नजर आ रहे हैं, जितनी उनकी चीते की तरह स्फूर्ति स्पेल है उसको करिश्मा ही दिखा नहीं पा रहे हैं, अपनी परमाशी से जूझ रहे हैं लगातार और सुरक्षित अपने पाले में राजी। दूसरी ओर जिस तरह से दो अंकों की बढ़त के साथ इस समय कोरबा अपने डिफेंस कर रही है, वहीं उस दो अंकों की जहां पिछड़ रही है, दो अंकों के साथ भिलाई उसकी भरपाई के लिए उभर तक प्रयास कर रही है। यहां से दूसरी मरतबा एक ही तर्ज पर वहीं से दोनों थाई पर जाकर के कैच को पूरा किया, टैकल करके मूलचंद है प्रहार के ऊपर, ऊंचे लंबे कद के रेडर, चार का डिफेंस डीप खेल रही है, एकदम से पीछे चली गई है डिफेंस, और डुआ ढाई का भी रेडर है, लेफ्ट चलाया ऊंचे लंबे कद के रेडर है मूलचंद और शिकार किया कॉर्नर का, उसका भी हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से जगह जी। और फिर जले भिलाई के लंबे कद के खिलाड़ी आठ नंबर जैसी पहने हुए, हालांकि मैदान पूरा भरा पूरा सजा हुआ है, बोनस आन है, देखना होगा क्या करिश्मा ले पाते हैं, क्योंकि चार अंक से महत्वपूर्ण पिछड़ी हुई है भिलाई, उस कमी को भरपाई करना होगा और अपनी उनको निश्चित तौर पर यहाँ पे उभारना होगा इस मैच में। पुनः चले मूलचंद सारा दारमदार इनके कंधों पे, तीन खिलाड़ी के बीच में, हालांकि तीन खिलाड़ी के बीच में अंक लेना बहुत ही मुश्किल लेकिन नामुमकिन तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कबड्डी भी अनिश्चितताओं का खेल है और दावा किया जा रहा है। और एक समय आदरणीय राज भी अपना कबड्डी संघ अध्यक्ष ने बताया था कि कसम खाया जाए और यहाँ भी वही, लेकिन जज महोदय ने आसमानी उंगली उठाया और उनकी दावा को स्वीकार किया और अंक मिला राजी। लगातार अंक सहेज रहा इस समय कोरबा क्लब अपने पाले में, जहां पांच अंकों की बढ़त नजर आ रही है, चार और नौ के मुकाबले महत्वपूर्ण पांच अंकों की बढ़त है इस समय कोरबा क्लब के पास। आज की समाप्ति के लिए एक मिनट और 45 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे, जहां से दो खिलाड़ी है, मूलचंद है इस समय प्रहार के ऊपर, सुपर टेकल का मौका, क्या भिलाई यहां से भुना जाएगा, सुपर टेकल कर जाती है मूलचंद का तो दो अंक इकट्ठे आएंगे और दो अंकों की भरपाई होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में भिलाई की ओर से डुआ डाई रेड पर नंबर 10 की जर्सी के साथ राज्य कर्कश की आवाज कभी कभी हमारे कानों में गूंजती है तो भोपू की आवाज हमें भी तकलीफ देती है, लेकिन खिलाड़ी के लिए तो एक बेचैनी कहा जाएगा, रिक्स लेना ही है। और एक मिनट 10 सेकंड का खेल अभी भी फर्स्ट हाफ के लिए राज्य। ऑल आउट के साथ ऑल इन भी हुई पूरी टीम और ऑल इन के साथ में सात खिलाड़ियों को मजबूत फिर से एक बार कोर्ट के ऊपर या टोट नंबर 10 के जर्सी के ऊपर स्वीकारा जा रहा है। सफलता हाथ लग गई है सुरेंद्र के लिए, एक अंक का इजाफा और यहाँ वो लगातार पहले हाफ में ही जहाँ 4 और 14 के मुकाबले और ढाई का मुकाबला बना करके चल रहा है कोरबा, लेकिन दूसरे हाफ का खेल भी अभी आने को है। भिलाई जिस तरह से क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में निश्चित
है वो वापसी का दरवाजा जरूर खटखटाएगा, लेकिन समय रहते उसकी भरपाई और उसके लिए वो मौके बन जाएंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। अन्यथा जिस तरह से समय निकल रहा है और दहाई के फासले के साथ कोरबा अपने आप को पा रहा है, एक काम जरूर किया, मुख्य रेडर का शिकार करके मूलचंद का शिकार किया, एक अंक लिया, 5 पर इस समय भिलाई, 14 पर है इस समय कोरबा। भिलाई के नजर आप 5 नंबर जैसे बने हुए दबंग खिलाड़ी, हट कट के खिलाड़ी, लेकिन एक छोर पे निखिल की कानर और दूसरी छोर पे पुलिस पात्र की कानर और इनकी टीम ने इतनी सजाई भरपूर 9 अंक से बढ़ते हुए फर्स्ट हाफ में देखना होगा। इस मैच के तुरंत पश्चात देवगांव वर्सेस बलोद के बीच मैच होना है। ये दोनों टीमें तत्काल तैयार होकर मैदान के आसपास उपस्थित रहे। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है, जहां कोरबा पहला रेड ले रहा है सुरेंद्र कुमार के रूप में। 7 का हाउस फुल मैदान, खाली चीज है सुरक्षित ढंग से। और दूसरे हाफ का पहला रेडिंग की जिम्मेदारी भिलाई की दबंग खिलाड़ी कहा जाएगा, पूरे टीम को छकाते हुए चहकाते हुए, लेकिन क्या शुरुआती लम्हा है, अभी भी 9 मिनट 15 सेकंड का खेल। टेक्निकल पॉइंट भिलाई को मिला और सुरेंद्र कंवर रेडिंग का जिम्मेदारी, लंबे कट के खिलाड़ी कोरबा की रेड की हड्डी कोरबा क्लब, लेकिन कुछ समय से अपने प्रभाव से जूझते नजर आ रहे हैं, इतनी इनकी खेल में चपटता दिखनी चाहिए और हमें नहीं नजर आ रही है। हालांकि अंक एक एक राज्य 6 और 15 के मुकाबले नंबर 8 की जर्सी के साथ इस समय सात खिलाड़ियों का मजबा है और वो मौके भी बनेंगे। 7 खिलाड़ी जब मैदान के ऊपर हो मौके बनते जरूर हैं, अंक मिलते जरूर हैं, तो प्रयास भी जारी है, बोनस का अनेक प्रयास जरूर रहा है, लेकिन बोनस का वो साफ सुथरा और मूलचंद देखना होगा राइट तरफ से लेफ्ट कॉर्नर की ओर कौहर के खिलाड़ी को अपने पैर से टच करने का प्रयास करेगा, लेफ्ट का रेडर जाने जाते हैं, लेकिन आप बिना आप लेकर और भिलाई के दबंग खिलाड़ी कोरबा के मैदान में और पूरे राइट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर को उछल खुद बचाते हुए धूम बचाते हुए देखना होगा क्या करते हैं। और 15 के मुकाबले जहां से सुरेंद्र कुमार ही निकले नंबर 57 की जर्सी के साथ, वो 5 का डिफेंस और 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है सुरेंद्र कुमार के लिए, काफी अंदर गए, टीम खेल रही है डिफेंस इस वक्त, जहां से बोनस ऑफ है और बोनस अपने घर सुनिश्चित किया सुरेंद्र कुमार ने। दूसरी ओर भिलाई जिस तरह से शुरुआत से थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर लग रही थी, लेकिन दूसरे आपके खेल में कुछ नई खोज के साथ नई ऊर्जे के साथ में खेल की शुरुआत ऐसा लग रहा था, लेकिन वैसा होता है और डू और डाई की आवाज भोगू की आवाज करो करो की स्थिति पूरे रेडर को जीवन और, लेकिन यहाँ पे गिनती शुरू हो चुकी है, आसमानी उंगली सुपर डुपर रेड कहा जाएगा और 6-19 की स्थिति अभी 5 मिनट 57 सेकंड का खेल आना शेष,
और बहुत फुटते रंग से कोरबा बढ़त बनाई हुई है। भिलाई को वापसी कर रहा होगा और इस बार गलती हुई मूलचंद से, एक्स्ट्रा टैकल। देवगांव और बलौद के मध्य मुकाबला होना है, दोनों टीम अविलंब तैयार रहेंगे। देवगांव और बलौद दोनों टीम के कैप्टन अपने खिलाड़ियों को तैयार करके अविलंब मैदान के समीप। और दो पावर हाउस के मध्य मुकाबला चलता हुआ, कोरबा पावर हाउस और भिलाई पावर हाउस, देखना होगा कौन सी पावर हाउस ज्यादा ऊर्जा खेल के लिए। सुरेंद्र कंवर, 5 मिनट का खेल शेष रह गए हैं लगातार। कोरबा भी है और भिलाई, वो भी पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। दोनों काफी अच्छा मुकाबला, खिलाड़ियों में कमी नहीं, समय का हेर फेर है, एक से बढ़कर एक धुरंधर। और बहुत ही शानदार जानदार मुकाबला चलता हुआ, दुधिया रोशनी में चमचमाती ट्रॉफी आपके सामने है और क्वार्टर फाइनल मुकाबला भिलाई बनाम कोरबा के बीच में। और लगातार कुछ गड्ढे के खाई को पाटने का प्रयास किया और करोड़ों की स्थिति और डू और डाई करे, देखना होगा सुरेंद्र क्या अपनी कर भाई खेल की जो बारीकी है उसको। सम्मान सही लगा, दावा किया गया था और उन्हें बोनस मिला और अभी भी 10 और 20 की स्थिति, 10 अंक से मजबूत बढ़त बनाई हुई कोरबा। 3 मिनट 30 सेकंड का खेल आना शेष और इस बार गलती हुई। बारह और 20 के मुकाबले ऑल आउट की पहली शॉट ढकेल गई है कोरबा को, यहाँ से डिफेंस इसलिए बोनस दे दो सुरेंद्र को तो बेहतर होगा, लेकिन वो डिफेंस काम कर गए, अब कहीं जाकर के मौके बने हैं। 3 अंक सुनिश्चित किया, 15 पर पहुंचा इस समय भिलाई और 20 पर है कोरबा, 5 अंक से अभी भी पिछड़ा। दूसरी ओर इस समय नंबर 5 की जर्सी के साथ भिलाई प्रहार ले रहा है, लेफ्ट रेडर के साथ राइट का कॉर्नर, जहां से वो अच्छी वापसी दरवाजा खटखटाई जरूर है, लेकिन अभी भी वो 5 अंकों से पिछड़ रही है। लंबा सा स्ट्रेच खींचा जहां निखिल और मूलचंद की कॉर्नर से, और निखिल और लगातार उनकी निगाहें बनी हुई है उनकी। एक अंक और लिया, 16 पर पहुंचा इस समय भिलाई, उस फेरे स्कोर के साथ में कोरबा 20 पर। सुरेंद्र कंवर है इस समय, सुरेंद्र का शिकार कर जाती है ये एडवांस टैकल, जहां से वो अपने आप को बड़ी तेजी के साथ धकेल जाते तो मौका बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में वो अंक सुनिश्चित किया कोरबा क्लब ने, और अंक सुनिश्चित करने के साथ वो बढ़त अभी भी बरकरार है महत्वपूर्ण रूप से कोरबा क्लब के पाले में। हालांकि यदि 5 अंक से बढ़त बनाई कोरबा, अगर गलती नहीं करती इस बढ़त को बनाए रखेगी, अगर स्टार टैकल या रेडिंग में भी गलती करती है तो निश्चित तौर पर बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा कोरबा को, क्योंकि एक जीत की जो खुशबू आ रही है कुछ चंद पल, क्योंकि अभी भी खेल 1 मिनट 36 सेकंड का खेल आना शेष बाकी है, लेकिन भिलाई का तो रिक्स लेना ही पड़ेगा। फिर चले जबाज रेडर भिलाई छोर से कोरबा के मार्ग में, क्योंकि
भिलाई का तो रिक्स लेना ही होगा, चाहे रेडिंग व डिफेंडिंग में हो, कुछ तो करना ही होगा उन्हें। और संयमित कोरबा को अगर खेल उतनी आक्रामकता लेकिन संयम को बरकरार रखते हुए टाइम आउट बुला लिया, इस बीच सेकंडों का खेल ही रह गया है। और सुरेंद्र कंवर रखते हैं, सुरेंद्र कंवर चाहेंगे कि खेल की गति को आहिस्ता आहिस्ता धीमी करते हुए समय गुजारना चाहेंगे, क्योंकि एक गलती टीम के लिए नुकसान साबित हो सकती है, उसको बखूबी जानते हैं। देश के मुकाबले महत्वपूर्ण मुकाबला जहां बोला पर इस समय कबड्डी दल भिलाई वही देश पर और बकला की टीम सात खिलाड़ियों को हाउसफुल मैदान जहां से जर्सी के साथ निखिल ने अपना एक अंक